व्हाट इज डेवऑप्स और इस वीडियोस के अंदर हम ये चीज कवर करेंगे बेसिकली कि डेवऑप्स है क्या और इसमें इंडस्ट्री में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आईटी इंडस्ट्री जो है डेवऑप्स को कैसे लेके चल रही है, जिसने आईटी इंडस्ट्री के अंदर पहले एक डेवलपर था और डेवलपर जो अगर एक कोड अपना लिखता था तो कोड को रन टाइम में जब लिखता था सुबह 9 बजे उसने कोड लिखना शुरू किया, शाम 6 बजे जब ऑफिस से घर जा रहा है तो कोड उसने आगे ऑपरेशन टीम को देता है, ऑपरेशन टीम जो है उस कोड को जब चेक करती है तो उसमें 100 किस्म के एरर्स आ जाते हैं। जब एरर आते तो नेक्स्ट डे दोबारा से जब डेवलपर आता है तो उसको बताया जाता है जनाब आपने जो कोड इसमें जो लिख के दिया था उसमें तो बहुत ज्यादा एरर थे। लेकिन अगर हम एक मॉडर्न मेथड को डेवऑप्स इंडस्ट्री में से किसी एक टूल्स को अडॉप्ट करते हैं, उसमें डेवलपर्स क्या करता है कि जैसे से कोड एक लाइन लिखता है, एक लाइन लिखने के साथ ही जो है उसमें रन टाइम पे वो चेक कर लेता है कि भाई इसमें कोई एरर तो नहीं, ठीक है। तो ये उसके लिए एक प्लस बेनिफिट है कि रन टाइम पे उसकी हर चीज को चेक किया जा रहा है। तो इसी को अगर हम रिलेट करें कि व्हाट इज अ डेवऑप्स, तो डेवऑप्स क्या है कि मैं कपड़ा मार्केट से बाय करके लाता हूं और बाय करके मैं जो है दर्जी को दे देता हूं और दर्जी को देता हूं, दर्जी जनाब से पूरा मैं ऐसे कहता हूं कि सूट मेरा इसी नाप का स्टिच होना चाहिए। लेकिन एडजन क्या करता है कि दर्जी मेरा सूट जो है वो किसी जगह से किसी की सिलाई ठीक नहीं है और किसी जगह से उसकी कटिंग में कोई इशू आ जाता है, तो इट मींस के एरर के चांसेस ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर काफी ज्यादा होते हैं। और अगर हम इसी चीज को अगर बेहतर है कि हम कोई मशीन फॉर्मेट्स को यूज कर लें या मॉडर्न मशीन को यूज कर लें, तो उस मॉडर्न मशीन में हमें क्या बेनिफिट होगा कि एक ही पैटर्न में हम उसमें ऐड कर देंगे भाई इस टाइप की मुझे कटिंग चाहिए, ये मेरा साइज है और इस तरह का मुझे सूट चाहिए। उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें एक तो स्टिच जल्दी हो जाएगा, एरर के उसमें चांसेस कोई नहीं है, तो प्रोडक्ट आपकी थोड़ा बेहतर तरीके से और जल्दी डिलीवर हो जाएगी। और जो इंडस्ट्री जैसे गारमेंट्स इंडस्ट्री है, गारमेंट्स इंडस्ट्री अगर मॉडर्न मशीन को यूज करती है तो उसका आउटपुट बहुत ज्यादा फास्ट है। तो यही चीज डेवऑप्स आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ठीक है, और टू अनदर इंडस्ट्री क्यों इसे अडॉप्ट कर रही है डे बाय डे कि जहां पे एक सॉफ्टवेयर हम 3 महीने में हैंड ओवर करते थे कस्टमर्स में, वही सॉफ्टवेयर आज के दौर में हम 15 डेज के अंदर उसे हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये एक मेन बेनिफिट है डेवऑप्स का कि किस हद तक उसने वर्किंग आवर्स को, क्योंकि जो काम हम एक साल में करते थे साल से महीने में आ गए, महीने से हम दिन में आ गए, वो दिन से जो है एक घंटे में और एक घंटे का काम 1 मिनट में और 1 मिनट का काम 1 सेकंड के अंदर हम उसको ले आए। अगर आप डेवऑप्स से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।